हेलो एवरीवन, सिकु सिकॉर्डियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूटन की तीन इक्वेशन के डेरिवेशन के बारे में, और ये एलजेब्रिक मेथड से डेरिवेशन है, यानी कि इसमें हम ग्राफ का यूज़ नहीं कर रहे, डायरेक्ट एलजेब्रा लगाएंगे, यानी कि सिंपल कैलकुलेशन लगाएंगे और तीनों डेरिवेशन को डिराइव कर देंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि डेरिवेशन है। देखिए, न्यूटन ने मोशन की तीन इक्वेशन दी थी। पहली है वी इजिकल टू यू प्लस ए टी, दूसरी है एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरी है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू टू ए एस। अब यहाँ पर s होता है डिस्प्लेसमेंट। साइंस में कभी भी आप स्मॉल s लिखा दिखें तो उसका मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल u इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि शुरुआत में जो वेलोसिटी है, जब कोई वस्तु चलना स्टार्ट करती है तो किस वेलोसिटी से स्टार्ट करती है, वो है इनिशियल वेलोसिटी। v है फाइनल वेलोसिटी, और a है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो ये तीन न्यूटन की इक्वेशन है, और ये पैरामीटर्स हैं। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, वी मतलब फाइनल वेलोसिटी, ए फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हिंदी में बोलते हैं त्वरण। तो अब इनकी डेरिवेशन के बारे में बात करते हैं बारी बारी। सबसे पहले देखते हैं डेरिवेशन वी इजिकल टू यू प्लस ए टी की। तो देखिए, जैसा कि हम सभी को पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो इसी एक्सेलरेशन की डेफिनेशन का यूज करते हैं, ए इजिकल टू चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी में से, यानी कि वी में से हम यू को माइनस कर देंगे पर मतलब यूनिट अपॉन टाइम। तो हमने इसकी डेफिनेशन को ही लिख दिया ऐसे, कैसे एक्सेलरेशन की को, तो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ये हमने कर दिया। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करते हैं, इस ए के नीचे वन लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास इस तरफ तो हो जाएगा ए इंटू टी, ए इंटू टी, और इस तरफ है वी माइनस यू। अब अगर मैं v को अकेला छोड़ दूं और u को उस साइड भेज दूं तो क्या आएगा, v इजिकल टू यू प्लस ए टी, और यही हमारी इक्वेशन थी v इजिकल टू यू प्लस ए टी। ये न्यूटन की पहली इक्वेशन थी, तो ये हमारी डिराइव हो गई। अब दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं, दूसरी इक्वेशन किस तरीके से डिराइव होगी। तो देखिए, एवरेज वेलोसिटी हमें पता है कि कभी भी आप एवरेज निकाल देते, एवरेज एवरेज का मतलब होता है कि अगर दो चीज है तो दोनों चीजों का जोड़ और अपॉन टू, अगर तीन चीज है तो तीनों चीजों का जोड़ अपॉन थ्री, यानी कि सम अपॉन नंबर, ये होता है एवरेज। तो एवरेज वेलोसिटी मैं निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये चीज़ मैंने कर दी, इसी चीज़ को मैंने लैंग्वेज में दिखा दिया, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे, तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। ये हम छोटी क्लासों से पढ़ते आए हैं, सिक्स क्लास से, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर मेरी जो डिस्टेंस होगी, देखिए क्योंकि मोशन हम स्ट्रेट लाइन ही कंसीडर कर रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन में हमेशा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होते हैं। अगर व्यक्ति एक ही दिशा में जाने लग रहा है और बिल्कुल सीधा जाने लग रहा है, स्ट्रेट लाइन में जाने लग रहा है, तो उसकी जो उस टाइम डिस्टेंस होती है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होती है। तो एस इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन टू इन टू टाइम, क्योंकि एवरेज स्पीड हमने निकाल ली है, एवरेज स्पीड हमने यहाँ से निकाली थी u प्लस वी अपॉन टू, तो u प्लस वी अपॉन टू ये हमारी एवरेज स्पीड थी, इनटू टाइम ये t था यहाँ। पुट वैल्यू ऑफ v इजिकल टू यू प्लस ए टी। अब क्या करते हैं, जो हमारे पहली इक्वेशन थी न्यूटन की पहली इक्वेशन, v इजिकल टू यू प्लस ए टी, तो इसमें से v की वैल्यू रख देंगे उठा के यहाँ, तो ये क्या हो गया, u तो था ही इसमें, यहाँ u तो है ही, अब इस v की जगह मैं रख रहा हूँ यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी, ये हमारी पहली इक्वेशन से मैंने रख दिया, तो u प्लस ए टी रख दिया अपॉन टू, ऐसे कैसा है, यहाँ पीछे t भी है। तो अब उसको आगे सोल्व किया तो क्या आ गया, u और u मिलके 2u हो गया, प्लस ए टी ऐसे कैसा अपॉन टू ऐसे कैसा इंटू टी। अब इस t की मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर ब्रैकेट के अंदर, तो s इज इक्वल टू यू, देखिए ये 2 जो है, इस 2 ने इस 2 को काटा तो यू टी बचा, और ये 2 इसके नीचे भी आएगा तो हाफ रह जाएगा ऐसे कैसा, और टी की जब मल्टीप्लाई हुई यू के साथ तो यू टी हो गया, और यहां से ये हाफ ए टी स्क्वायर हो गया, क्योंकि टी की टी से मल्टीप्लाई हुई तो टी का स्क्वायर हो गया। तो दूसरी इक्वेशन हमारी क्या थी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस तरीके से दूसरी डेरिवेशन भी होगी। तीसरी इक्वेशन की बात करते हैं, तीसरी इक्वेशन हमारे पास वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू टू एस एस, यानी कि फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इजिकल टू टू इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब हमें पता है v जो होता है वो होता है u प्लस ए टी के बराबर, v होता है u प्लस ए टी के बराबर। तो अगर इस इक्वेशन में से मैं टाइम निकालता हूँ तो क्या होगा,
वी यू इस साइड जाएगा तो माइनस का हो गया, वी माइनस यू हो गया, और ए जो है ये टी के साथ मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो टी इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए हो गया। इस इक्वेशन का यूज करते हुए मैंने टाइम की वैल्यू निकाल ली, और मेरे को पीछे से पता है कि एवरेज वेलोसिटी कितनी है, फाइनल प्लस इनिशियल अपॉन टू, ये एवरेज वेलोसिटी है। अब क्या करते हैं, डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? डिस्टेंस की डेफिनेशन होती है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी कि जो एवरेज वेलोसिटी है और उसके टाइम की गुणा कर दो। तो हमारे पास क्या थी, एवरेज वेलोसिटी है वी प्लस यू अपॉन टू और टाइम है वी माइनस यू अपॉन ए। ये हमने टाइम ऊपर अभी एक्सलरेशन की डेफिनेशन से निकाला था, जिस तरीके से एक्सलरेशन क्या था, एक्सलरेशन था वी माइनस यू अपॉन टी। तो अगर मैं टाइम निकालूंगा तो क्या होगा, ये ए जो है ये नीचे आ जाएगा। तो इस चीज का यूज करते हुए मैंने टाइम की वैल्यू यहां पुट कर दी और एवरेज वेलोसिटी पुट कर दी। अब दोनों की जब मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया अपॉन टू ए। ये चीज हो गई। अब दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब वन है, क्रॉस मल्टीप्लाई हुई तो टू ए की मल्टीप्लाई होगी एस के साथ टू ए एस, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस, ये आपकी डेरिवेशन हो गई। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो मैं आपके लगातार लाता रहता हूँ। थैंक्स।